नमस्कार दोस्त, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनासन रिएक्शन के बारे में। दी एनासन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस। सो इन दिस रिएक्शन इन विच एन एक्वा कॉम्प्लेक्स इज रिप्लेस्ड बाई सम एनायंस लाइक क्लोराइड आयंस। यानी कि एनासन रिएक्शन रिवर्स ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस होता है। एसिड हाइड्रोलाइसिस में क्या होता था, यानी Cl का रिप्लेसमेंट वाटर के द्वारा किया जाता था और यहाँ पे Cl के द्वारा वाटर का रिप्लेसमेंट किया जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स CONH3 5H2O + 3 यानी एक्वा कॉम्प्लेक्स प्लस Cl यानी Cl के द्वारा H2 का रिप्लेसमेंट होता है। इस प्रकार की रिएक्शन को एनासन रिएक्शन कहते हैं। एनासन रिएक्शन बाई मोलिकुलर रिएक्शन होती है और रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और लिगेंड के ऊपर निर्भर करती है। दिस इज ए बाई मोलिकुलर रिएक्शन। सो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ द लिगेंड एंड कंसंट्रेशन ऑफ इनकमिंग लिगेंड। सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CONH3 5H2O + 3 और Cl-। मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म वन स्टेप में कंप्लीट होती है। वैसे तो यानी फर्स्ट स्टेप में H2 बाहर चला जाता है और एक 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। सेकंड स्टेप में Cl- का अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल के रूप में और एक 6 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। इस टॉपिक से नहीं एनासन रिएक्शन से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, वैसे 5 नंबर का शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अनदर वीडियो नोटिफिकेशन। और भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।